पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, कांग्रेस नेताओं ने किया महात्मा गांधी को नमन। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेसी पहुंचे मिंटो हॉल, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। नितिन गडकरी के दौरे पर जीतू पटवारी ने बोला हमला, 2014 में बीजेपी ने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन इतने दिन हो गए भारत की जनता को क्या महंगाई से राहत मिली, क्या उसे रोजगार हासिल हुआ। ठीक उसी तरह नितिन गडकरी जो भी रोड बनाते हैं वह बगैर टोल टैक्स के नहीं बनती है। हर सड़क पर 60 किलोमीटर चलने पर व्यक्ति को चुकाना होता है टोल टैक्स, पुल से निकलने पर देना होता है टोल। केंद्र सरकार आम जनता से जीएसटी कर वसूल कर बनाती है, बजट तो गडकरी टोल टैक्स वसूल कर बनाते हैं। सड़कें, यदि वास्तविकता में जनता को राहत देने के लिए कोई विकास कार्य होता है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो मुरैना और उज्जैन में जाकर बैठक कर समीक्षा करेंगे। कांग्रेस के दिग्गजों द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, जिसको आला कमान आदेश देगा वही कार्यकर्ताओं नेता लड़ेगा चुनाव। प्रत्याशी चयन के लिए बनाए गए हैं ऑब्जर्वर, सभी अपनी अपनी रिपोर्ट करेंगे समिट, उसके बाद स्क्रीन कमेटी से तय होंगे नाम। 6 फरवरी को होगी कांग्रेस से विधायक दल की बैठक, जीतू पटवारी ने कहा जनता से जुड़े मुद्दे विधानसभा में उठाने को लेकर चर्चा होगी। राज्य सरकार ने 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन आज जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें 2250 में ही खरीदा जाएगा गेहूं। महिलाओं को 3000 तक देने की कही थी बात, लेकिन अब तक 1250 से आगे नहीं बढ़ी है सरकार। चश्मा किसका है? हमारे प्रभारी महोदय और सीएलपी लीडर और पीसीसी के सभी हमारे सीनियर मोस्ट लोग लोकसभा की तैयारी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी और विधानसभा में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना जनता का पक्ष रखे, विपक्ष की भूमिका निभाए, उन सब बातों को लेकर मीटिंग विधायक दल की भी रखी गई है, जो मैं मानता हूँ कि हमारे को जो रोल दिया है जनता ने, जो एक भरोसा किया है विपक्ष का, उसका हम भूमिका निभा सके अच्छे से। जो आज ही नोटिफिकेशन हुआ है गेहूं का 2250 रुपया, 3100 रुपये में उन्होंने कहा था हम धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया उसमें 2250 रुपये का है, आपने 2700 का वादा किया, ये धोखा है किसानों के साथ। मैं मानता हूँ 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है, ये धोखा है किसानों के साथ। 3000 रुपये बहनों को लेकर आपने बातें की थी, उनको आप जो 1250 वो भी सांस ले लेके दे रहे हैं, ये धोखा है बहनों के साथ। 450 रुपये के गैस सिलेंडर का आपने बोला था, आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, धोखा है ये जनता के साथ। नीचे करो सौद भाई थोड़ा। आपने 2 लाख नौकरियों की बात की थी, हर घर को रोजगार, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला, ये प्रदेश के साथ धोखा है। तो मोहन भैया, धोखा देना बंद करो और आपसे प्रार्थना है, किसानों के गेहूँ का नोटिफिकेशन आपने 2250 किया है, उसको 2700 रुपये करो, अन्यथा इधर तुलाई चलेगी और इधर आंदोलन चलेगा। कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है कि किसान उत्तेजित है, आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहा है, आशान्वित भी है कि मेरी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, उसने जो बोला है 2700 रुपये देगी, अगर आप नहीं दोगे तो सारे तुलाई के केंद्रों पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ प्रदर्शन करेगी, अगर आप दे दोगे तो आपका साधुवाद करेगी, धन्यवाद देगी, आपका अभिनंदन करेगी। तो मुख्यमंत्री जी, आपने जो 2250 रुपये गेहूं को रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किए हैं, ये अन्याय है, और विधानसभा में विधायक दल की मीटिंग में भी हम इस बात को पूरी ताकत से रखेंगे कि सारे विधायक एक साथ किसानों के हित में, अपनी बहनों के हित में अपनी आवाज़ बुलंद करें। मैं मानता हूँ सरकार संज्ञान में लेगी, अन्यथा कांग्रेस अपना रोल निभाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की कमेटी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त की है, जो आज जारी हो जाएगी, उसकी मीटिंग है 6 तारीख के दिन। मैं, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और हमारे तमाम सीनियर नेता सीएलपी सारे, हम सब भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्वालियर और उज्जैन संभाग का दौरा कर रहे हैं, भोपाल संभाग के भी उसमें मीटिंगें हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक वृत्त रूप से कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में और भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में, जिसमें 6 दिन का पूरा दौरा है, उसमें हम सब असम जैसी
लोकसभा को लेकर हमने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए थे लोकसभा वाइज, जो सब अपने अपने भाई माइक नीचे करो जिसको भी जोड़ा कर रहे हैं और बहुत सुन कर लिया है। वो अपनी रिपोर्ट देंगे दो तीन एक और दो तारीख को, तीन तारीख को लोकसभा की जो कोऑर्डिनेटर गए हैं उनकी रिपोर्ट के साथ चुनाव समिति जो हमारी उसकी मीटिंग होगी और उसी संदर्भ में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की पूरी समिति तीन तारीख को आएगी। तो प्रत्याशी कौन हो, मुद्दे क्या हो, किस तरीके से वहाँ का मैकेनिज्म हो, कैसे सोशल इंजीनियरिंग हो, सब बातों को लेकर बातें होगी और आने वाले समय में बूथ स्तर पर और विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हमारे प्रभारी नियुक्त हुए हैं जो लोकसभा की तैयारियों को लेकर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और टिकट वितरण से लेकर जिस तरीके का पॉलिटिकल मैनेजमेंट या पॉलिटिकल आपका राजनीतिक रूप से हमारा कैंपेनिंग क्या होगा उसको लेकर तीन तारीख को हमारी महत्वपूर्ण मीटिंग। आपके विषय में भी कहा जा रहा है सारे पार्टी जिसको कहेगी सबको चुनाव लड़ना है, जिसका जनता और कार्यकर्ता कहेगी वो सब चुनाव लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से नाम निकल के आएगा वो कितना बड़ा है, कितना भी कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता, सब चुनाव लड़ने के पक्ष में है, चुनाव लड़ने के साथ है। पर किस लोकसभा से किसका नाम आ रहा है इसके लिए हमने ऑब्जर्वर भेजे हैं, तो अल्टीमेटली जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आएगी उसके बाद बात करेंगे। इससे तो कोई